वन बाय डी 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 बाय डी टी। तो हमने ये कल डिस्कस किया था। ओके एवरीवन इज क्लियर? मैं अज्यूम करता हूँ आपको ये समझ में आ गया लास्ट लेक्चर में और आज भी मैंने थोड़ा रिवीजन लिया इसका। तो क्लास सिंपल चीज है, अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो इट इज सिंपली माइनस डी ए बाय डी टी। बट इफ समबडी आस्क्स व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इट विल बी माइनस वन बाय ए, तो हमको वन बाय ये कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका जो था वैल्यू रेट ऑफ कंजम्पशन का, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, इस वैल्यू को आपको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट विल गिव द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास ये बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग काम करते हैं, लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल। अगर पॉसिबल है तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, अगर आपको ये दिख रहा है न्यूमेरिकल, मैं डिक्टेट भी करूंगा, तो ये न्यूमेरिकल आप कॉपी कर लो, बिकॉज विदाउट न्यूमेरिकल ये टॉपिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्लास देखो न्यूमेरिकल क्या है, लेट मी फर्स्ट आई रिक्वेस्ट दिस। तो क्लास मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो कंसिडर रिएक्शन प्लस, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो लिख लो, कंसिडर रिएक्शन 2a प्लस b गिव्स 2c, 2a प्लस b एरो करके 2c, टू स्टॉप। सपोज दैट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सपोज दैट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन suppose that at a particular moment during the reaction the rate of disappearance disappearance the rate of disappearance of a capital a is 0.076 plus ye meter per second nahi hai, ye molar hai, capital m stand for molar, small m stand for meter, molar per second. So rate of disappearance of A is 0.076 molar per second. What is the rate of formation of C? Pehla question hai, question A. What is the rate of formation of C? Ye pehla question hai. Theek hai? Next question hai. What is the rate of consumption of B? ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल बी एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन सी है, तो क्लास 2 मिनट लो इसके बारे में सोचो, आप जरा जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, देखते हैं मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, पहले आपको सोचना है। आई गिव 2 मिनट्स। Consider reaction 2a plus b gives 2c. Suppose that at a particular moment during the reaction, the rate of disappearance of capital A is 0.076 molar per second. ये आपका हो गया क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन यहाँ पे। What is rate of formation of C? What is rate of consumption of B? And what is rate of reaction? Think on it. हेलो, तो आई होप आपने कुछ पढ़ लिया। तो क्लास देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो क्लास रिएक्शन है 2a प्लस b गिव्स 2c। म्यूजिक सर मेरा आवाज आ रहा है? हेलो कोई है? हाँ सर आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो स्पीड नहीं ना ज्यादा? नहीं सर ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो 2a plus b gives 2c, 2a plus b gives 2c अपना रिएक्शन है।
तो अगला यहाँ पे ए कंज्यूम हो रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अगर मैं बोलता हूँ तो हमें कोएफिशिएंट नहीं ले रहा है, तो ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस डी ए बाय डी टी, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए माइनस डी ए बाय डी टी. हमने अभी दो बार डिस्कस किया इसको, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए माइनस डी बाय डी टी. तो व्हेन आई रेट ऑफ कंजम्पशन हम लोग कोएफिशिएंट कंसीडर नहीं करते. ओके okay, और उन्होंने इसका वैल्यू दिया है हम लोग को 0.076 मोलर पर सेकेंड. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर मतलब क्या, कम होना जाना एक्सेट्रा, तो डिसअपीयरेंस बोलो कंजम्पशन बोलो एक ही होता है. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना दिया उन्होंने हम लोग को 0.076 मोलर पर सेकेंड, सॉरी मोलर पर सेकेंड. ठीक है, आपको पूछा क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो आपको पूछा व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो हाउ यू राइट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी कैन बी रिटन एज dc by dt with plus sign because वो product है, तू नहीं लेंगे because उन्होंने हम लोग rate of reaction नहीं पूछा, उन्होंने पूछा rate of formation of c, तो rate of formation और rate of disappearance में coefficients नहीं आते, तो 2, 1, 2 ये सब नहीं आएगा. ओके okay, ये आपका पहला क्वेश्चन मार्क है. दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन था, आपका दूसरा क्वेश्चन था what is rate of consumption of b, तो rate of consumption of b मतलब हम लोग b की बात करेंगे, तो minus db by dt, that is the rate of consumption of b. और क्लास तीसरा क्वेश्चन है, what is rate of reaction, तो क्लास अगर मैं a चूज करता हूँ, जब rate of reaction लेता है हमें coefficient को consider करना पड़ेगा, तो a का coefficient 2 है, तो अगर मैं a रहता हूँ rate of reaction find करने के लिए, तो it will be minus 1/2 da by dt, अगर मैं a लेके rate of reaction find करता हूँ. ओके okay. आपके पास तीन ऑप्शन है, आप a लेके करो, b लेके करो, c लेके करो, आंसर एक ही आएगा, आप चेक कर सकते हो. अगर मैं b लेके करता हूँ, तो b का कोएफिशिएंट तो ये हो सकता है, अब ये फाइंड करो, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है, 1 है, तो माइनस db by dt, आप ये फाइंड करो, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर भी ये और ये आंसर सेम होने वाला है. और अगर c लेते हो तो इसका कोएफिशिएंट 2 है और वो प्रोडक्ट इसलिए प्लस 1/2 dc by dt. तो क्लास आप ये वाला वैल्यू फाइंड करो, ये वाला वैल्यू फाइंड करो, या फिर ये वाला वैल्यू फाइंड करो, आपको आंसर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक ही आता है, इरिस्पेक्टिव व्हाट यू चूज ए बी और सी, रेट ऑफ रिएक्शन हैज टू बी सेम. तो चलो शुरू करते हैं, तो सबसे बात करते हैं ये कैसे फाइंड करेंगे, तीन चीजें, ये दो चीजें. चलो हम देख सकते हैं 2a plus b gives 2c, अगर तो 2a plus b gives 2c, मैं यहां पे लिखता हूं 2a plus b gives 2c, if I write rate of reaction, rate of reaction likhte hain, so with respect to a it will be minus 1/2 da by dt, with respect to b it will be, iska coefficient 1 hai, to minus 1/1 likhne ki zarurat nahi hoti, to minus db by dt, aur iska coefficient 2 hai, to it will be 1/2 bc by dt. अगला सर सजेस्ट यू, जैसे ये सब हो जाता है आप टेक्स्ट बुक एक बार ओपन करके देखो, ये आपको बहुत इजी लगेगा. तो माइनस 1/2 da by dt माइनस db by dt 1/2, यहाँ पे प्लस साइन है, नहीं लिखते तो भी चलता है, 1/2 dc by dt. अगला आपको फाइंड क्या करना, पहला क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है dc by dt, आपको फाइंड करना है राइट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c. तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, अगर ऐसे करेंगे तो माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाय डी टी. देखो आप चेक करो ये और ये, तो माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी. तो क्लास ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी. प्लस क्या वैल्यू, माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू, तो माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू, माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू है 0.076 मोलर पर सेकेंड. तो क्लास तो डी सी बाई डी टी भी कितना होगा 0.076 मोलर पर सेकेंड. आई होप यू अंडरस्टैंड, जो वैल्यू देखो आपस देखा हो, ये 0.076 डी ए बाई डी टी का वैल्यू नहीं है, 0.076 माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू है, तो डी सी बाई डी टी इज माइनस डी ए बाई डी टी, तो आपका आंसर आएगा 0.076 मोलर पर सेकेंड. तो प्लस आपका ये
पहला सॉल्व हो गया, अभी क्या पूछा आपको माइनस डीबी बाई डी टी, तो क्लाम इसके लिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, तो माइनस हाफ, माइनस हाफ डी ए बाय डी टी, आप देख सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ, यहाँ पे सॉरी माइनस हाफ डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी. तो क्लास मैं, मुझे ये वैल्यू चाहिए माइनस डी बी बाय डी टी का क्वेश्चन बी में, तो मैं इस पर लिखता हूँ माइनस डी बी बाय डी टी. तो मैं हाफ ब्रैकेट के बाहर लेता हूँ, अंदर लिखता हूँ माइनस डी ए बाय डी टी, चलेगा ना? हमने हाफ को बाहर लिया और अंदर लिखा माइनस डी ए बाय डी टी. क्लास क्या हमारे पास माइनस डी ए बाय डी टी का वैल्यू है? हाँ, उन्होंने दिया हम लोग को, तो माइनस डी ए बाय डी टी इज 0.076 मोलार पर सेकेंड. तो माइनस डी ए बाय डी टी वैल्यू गिवन इज 0.076 मोलार पर सेकेंड. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, 1/2 0.076 मोलार पर सेकेंड, तो आपका आंसर होगा 0.038, राइट, मोलार पर सेकेंड में 2 से डिवाइड किया. तो क्लास आपको ऑप्शन क्वेश्चन बी का भी आंसर मिल गया, ये भी आपका क्वेश्चन था. और क्लास तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो क्लास अगर आप ए चूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, आप बी चूज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन ये है, और आप सी चूज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन ये है. आप कोई भी एक चूज करो, आप ये वैल्यू फाइंड करो, ये वैल्यू फाइंड करो, ये वैल्यू फाइंड करो. तो क्लास आपके पास ये वैल्यू ऑलमोस्ट रेडीमेड पड़ा हुआ है, कौन सा, माइनस डी बी बाई डी टी. क्या वैल्यू माइनस डी बाई डी टी? 0.038. रेट ऑफ रिएक्शन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बी चूज करता हूं तो क्या है, माइनस डी बी बाय डी टी, एंड दैट विल बी 0.038 मोलार पर सेकेंड. अगला, किसी को अगर ए से करना होता तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज, किसी को ए लेके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होता तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्लास ये है माइनस हाफ डी ए बाई डी टी. तो क्लास मैं हाफ बाहर लेता हूँ और अंदर ब्रैकेट में माइनस डी ए बाई डी टी. और क्लास माइनस डी ए बाई डी टी का लिए उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था 0.076, तो हाफ इंटू 0.076, एंड दैट इज नथिंग बट 0.038 मोलार पर सेकेंड. तो क्लास आप देख सकते हो मैंने ए चूज किया, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए मैंने ए चूज किया, ये वाला टर्म चूज किया, या फिर ये वाला टर्म चूज किया, या फिर ये वाला भी मैं करता तो मुझे सब आंसर एक ही आते, 0.038 मोलार पर सेकेंड, 0.038 मोलार पर सेकेंड एक्सेट्रा. क्लास एक बार देख लो अच्छे से, ये कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, गो थ्रू. ठीक है, आप ट्राई करो. तो क्लास क्या करना है, आपको समझ में आ गया रहेगा. तो पहले 2a plus b gives 2c, तो आप पहले क्या लिखो, आप सबसे पहले क्या लिखो, सबका रेट लिखो, रेट लॉ लिखो. तो रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है इसलिए माइनस डी बी बाई डी टी, और यहाँ पे कोएफिशिएंट हाफ है इसलिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है इसलिए यहाँ पे 1/2 डी सी बाई डी टी. आपको माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया है, देखो माइनस डी ए बाई डी टी, आपस में बोलता हूँ लास्ट टाइम याद रखो बहुत केयरफुली, कि जब हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, उस केस में हम लोग को कोएफिशिएंट नहीं कंसिडर करने हैं. तो उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे 2 को कंसिडर नहीं करना, तो मुझे क्या, कौन सा वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया है, मुझे माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी का वैल्यू नहीं दिया है. तो एक कोएफिशिएंट हम लोग कम कंसिडर करते हैं जब हमें क्या फाइंड करना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. ओके, तो क्लास नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज रेट लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर रेट लॉ. जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. ओके,
क्लास देखो कुछ चीज है, क्लास में कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ यहाँ पे। तो पहला रिएक्शन लिखता हूँ मैं 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, रिएक्शन नंबर वन। मैं हम बात कर रहे हैं रेट लॉ की। तो हमारा आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यू रिएक्शन। तो हमारा पहला रिएक्शन है 2H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोज एंड गिव्स यू 2H2O+O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके आई टेक अ सेकंड एग्जांपल। तो द सेकंड एग्जांपल इज हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस React with iodine gas and gives you hydrogen iodide 2HI. वो भी गैस है। Plus I'm taking many examples. तीसरा example है हमारे पास है hydrogen gas. Plus ये question 4 साल पहले board exam में आया था MCQ के लिए, ये third वाला hydrogen gas react with chlorine gas and gives you 2HCl gas, hydrogen chloride or hydrogen chloride gas. Okay. Fourth reaction, I'll explain why I'm doing all these things. तो हमारे पास है इसका नाम CH3CHO. Okay, तो आपको organic chemistry मालूम है इसका नाम है acetaldehyde. Acetaldehyde CH3CHO. This is something like this CH3C double bond OH. This is acetaldehyde. ठीक है, पर हमें इसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। CH3CHO इसको हम लोग स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं एसिटाल्डिहाइड को। एसिटाल्डिहाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोज एंड गिव्स यू मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आई लेट मी टेक वन मोर लास्ट एग्जांपल। सो क्लास मेरे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस। तो क्लास ये गैस है, ये भी गैस है। तो NO2 गैस रिएक्ट विद CO गैस एंड ऑन रिएक्शन we get NO, ये वाला O यहाँ पे चला जाता है, तो NO gas plus CO2 गैस, तो O NO2 का O CO का मिलता है, तो NO2 become NO and CO become CO2. तो see, I have taken so many reactions, okay. So what is rate law? Sorry, what is rate of reaction? Change in concentration of reactants with respect to time. So that rate is called the rate of reaction. तो हमने देखा बहुत डिटेल में। तो लोग rate law बोलता है, rate of any chemical reaction is always directly proportional to molar concentration of reactants. So, क्लास यहाँ पे reactant कौन है? H2O2, right? So, molar concentration. I hope you understand H square bracket. हमने कल discuss किया था. When you put square bracket, it means I'm talking about the molar concentration. या फिर other name is active mass. So, rate of this first reaction is directly proportional to what is the reactant here? H2O2. So, directly proportional to the molar concentration of H2O2 and ratio some power. So, क्लास ये power हम लोग थोड़ा सा assessment करते हैं. ये पावर क्या आएगा देखेंगे हम लोग बाद में। तो फिलहाल में पावर लिखता नहीं, बहुत लोग गेस करते रहेंगे यहाँ पे पावर 2 आएगा, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ओके सिमिलरली इफ आई टेक दिस रिएक्शन सेकंड रिएक्शन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी यहाँ पे दो रिएक्टेंट है H2 तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन H2 और दूसरा रिएक्टेंट I2 है। तो क्लास बहुत लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ब्लीच में प्लस साइन नहीं आता, यहाँ पे इंटू साइन आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। यहाँ पे हमें H2 और I2 का पावर लिखना है, लिखेंगे बाद में। यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है H2 का? रिएक्शन बैलेंस है, राइट? सब रिएक्शन बैलेंस है, मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है। यहाँ पे H2 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे I2 का कोएफिशिएंट 1 है और HI का कोएफिशिएंट 2 है। ओके प्लस सिमिलरली रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन H2, दो रिएक्टेंट है, टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। ओके पावर्स देखेंगे H2 का पावर क्या आएगा, Cl2 का पावर क्या आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तो क्लास बुक में जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने सब कवर किए अपने टेक्स्ट बुक में, न्यू टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, तो एक ही रिएक्टेंट है इसलिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO रेशियो सम पावर। पावर हमें मालूम नहीं है क्या है, देखेंगे। रेट ऑफ दिस रिएक्शन तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
NO2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, दो अलग अलग रिएक्टेंट इसलिए NO2 into CO प्लस, एक सेकंड मैं पेन लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो क्लास देख लो मैं जैसा लिखा है, तो जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो क्लास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू सम पावर। तो क्लास आपने गेस किया रहेगा कि पावर 2 होना चाहिए बिकॉज कोएफिशिएंट 2 है, तो क्लास ऐसा नहीं होता। आपको रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन H2O2 और यहाँ पे पावर आता है 1। क्लास कहाँ से आया ये 1 पावर? तो क्लास ये पावर फाइंड करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, हम लोग पावर को गेस नहीं कर सकते। आप रिएक्शन देखे पावर नहीं बता सकोगे। अगर आपको ये पावर फाइंड करना है तो उसके लिए एक्सप्लेन करने पड़ता है। तो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये आगे का चैप्टर का पार्ट है। तो फिलहाल फॉर टाइम बीइंग आपने यहाँ पे जो पावर लिखा है, ये पावर आपने कोएफिशिएंट देख के नहीं लिखा, आपने ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिवील्स दैट द पावर ऑफ दिस एच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 विल बी 1। द एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट द पावर ऑफ H2O2 शुड बी 1। तो ये 1 जो पावर मुझे आया है, दैट पावर 1 आई गेट बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्लास देखो कोई भी नहीं, इवन रजनीकांत भी गेस नहीं कर सकता वो पावर क्या आएगा। तो आप भी गेस मत करो प्लीज। ये पावर हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। विदाउट एक्सपेरिमेंट ये पावर नहीं मिल सकता आपको। ओके, नाउ दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो क्लास यहाँ पे H2 का पावर क्या आएगा और I2 का पावर क्या आएगा, तो अगेन वी स्टडी दिस रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वी कम टू नो H2 का और I2 का पावर। यहाँ पे क्लास हम लोग 1 पावर लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, अंडरस्टूड। अगर 1 नहीं लिखा तो यहाँ पे पावर 1 होगा। तो यहाँ पे भी पावर H2 का 1 है, मैं लिख रहा हूँ फिलहाल फॉर टाइम बीइंग, पर आप मत लिखना। यहाँ पे H2 का पावर 1 है और I2 का पावर भी 1 है। तो क्लास यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए वह पावर 1 आया, बिल्कुल नहीं। हमने जो एक्सप्लेन किया तो कोइंसिडेंट हो गया, ये संयोग से क्या हो गया, ये दोनों पावर क्या आपको सेम मिले, अदरवाइज ये दोनों का इनके साथ रिलेशन नहीं है। इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि दोनों पावर सेम आया एक्सपेंड करके, तो H2 का पावर 1 I2 का पावर 1 और यहाँ पे भी दोनों पावर सेम आया। ओके, तो क्लास ये मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था फॉर 1 मार्क MCQ में आया था, मैं बताऊंगा MCQ क्या था। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेस्ट टू सम पावर्स और एक्सपेरिमेंटल डेटा रिवील्स दैट द पावर ऑफ H2 शुड बी 0 एंड पावर ऑफ Cl2 शुड बी ऑल्सो 0। तो H2 का पावर भी 0 होना चाहिए और Cl2 का पावर भी कितना होना चाहिए, 0। ये मैं नहीं बता रहा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा है, ठीक है। प्लस इस एग्जांपल में रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेस्ट टू सम पावर। और क्लास जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे पावर आपको मिला 3/2। पावर क्या था, 3/2। यहाँ पे जो पावर आएगा वो 3/2 पावर है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। और फाइनली रेट ऑफ दिस रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू NO2 एंड CO। तो क्लास यहाँ पे NO2 का पावर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है NO2 का पावर 2 है और CO का पावर 0 है। प्लस हमने जो भी पावर्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर से, ये सब पावर्स मैं बार बार बोलूंगा, ये सब पावर्स फाइंड करने के लिए आपको रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना पड़ेगा। आप रिएक्शन देख के ये पावर गेस नहीं कर सकते। यू कांट predict the powers theoretically, for finding those powers we need to perform the experiments. Experiments kya hote hain, main aapko bola hu ki I am going to discuss how we do that experimentally, but that is later part of the chapter. Okay, class agar mere paas koi bhi reaction in general, to hum hamesha deal karte hain general reaction ke sath. To hamare paas A moles of A hai, B moles of B hai, which gives me C moles of C and D moles of D. To A moles of A react with B moles of B and that gives me C moles of C and D moles of D. So plus this reaction ka rate kya hoga? So rate of this reaction will be directly proportional to the aapka reactant capital A hai, concentration of A into dusra reactant B hai, the concentration of B
क्लास क्या आएगा पावर ए का और बी का, तो ए का पावर स्मॉल ए आएगा और बी का पावर स्मॉल बी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सोचो भी मत। तो ए का पावर और बी का पावर फाइंड करने के लिए ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे, और जो एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा, मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगा वो लिखूंगा। तो समझो ए का पावर आया एक्स एंड बी का पावर आया वाई, तो ए का पावर एक्स एंड बी का पावर वाई, तो दिस एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटीज। सो क्लास दिस इज रेट लॉ फॉर जनरल केमिकल रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो क्लास अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, नया वाला टेक्स्ट बुक आपके पास होगा पीडीएफ फाइल, तो क्लास उस टेक्स्ट बुक में रेट लॉ कंप्लीटली रॉन्ग लिखा है। कंप्लीटली मतलब कोई भी देख के बोल सकता है, जिसने रेट लॉ पढ़ा भी नहीं, दिस कंप्लीटली रॉन्ग। तो रेट लॉ का स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में कंप्लीटली रॉन्ग है, तो रेट लॉ आपको लिखना है अभी, ठीक है? स्टेटमेंट टू बुक में रॉन्ग है, पर लिखने से पहले मुझे आता है रेट लॉ क्या होता है। तो क्लास रेट लॉ ऐसा एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन है जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में रिलेशन बताता है। एग्री? तो क्लास ठीक है, एक चीज हम लोग और करते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन इसको निकाल दो। तो रेट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, के क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के ए रेस टू सम पावर एक्स इंटू साइन लिखा यहाँ पे बी रेस टू सम पावर वाई। तो क्लास में होता है ये दिस एक्सप्रेशन, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज रेट लॉ, और हम लोग के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, अपने बुक में वर्ड है रेट कांस्टेंट। प्लस आप बहुत सारे रेफरेंस बुक में के को लिखा हुआ पाओगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, अपने बुक में ये वर्ड नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट दोनों एक ही चीज होता है। तो रेफरेंस बुक में आपको वेलोसिटी कांस्टेंट ये वर्ड मिलेगा, अपने बुक में रेट कांस्टेंट ये वर्ड है, मतलब उसके लिए के लिए सिंबल है रेट, के के लिए टर्म है रेट कांस्टेंट, तो दोनों भी चलता है रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो के अगला अगर इक्वेशन देखोगे, दिस इक्वेशन इज द रेट लॉ, ये रेट लॉ है। तो रेट लॉ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो रेट लॉ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड सम सूटेबल पावर्स। ये पावर हमें कहाँ से मिल रहा है? बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे साथ आप लिख लो रेट लॉ क्या होता है। तो आप लिख रहे हो, आपके पास पेन एंड बुक है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, ठीक है? तो रेट लॉ मैं बोलता हूं, तो स्टेटमेंट ऑफ अपने हेडिंग लिखा रेट लॉ, तो स्टेटमेंट रेट लॉ में भी डिफाइंड एज रेट लॉ। प्लस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बुक में रॉन्ग है, अदरवाइज सब चीजें आपको कॉपी करनी नहीं है। और मैं जो भी नोट्स है अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं एमबी सर को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर वो आपको सर्कुलेट कर लेंगे, आपको उतना ही पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। प्रॉपर नोट्स ये सब बहुत रफ में है। रेट लॉ और रेट लॉ में भी डिफाइंड एज रेट लॉ में भी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन rate law may be defined as the mathematical expression which denotes darshata hai, which denotes the rate of reaction which denotes the rate of reaction in terms of molar concentrations of reactants, molar concentration of reactant plus bracket A क्या है? molar concentration of reactant A, bracket B क्या है? molar concentration of reactant B, molar concentration of reactants
with each reactant term, with each reactant term raised to some power, with each reactant term raised to some power, which may or may not be, which plus अब example देखोगे तो ये power लिखा है यहाँ पे, तो ये H2 और I2 का power 1-1 है और coefficient भी 1-1 है, और बाकी सब example में यहाँ पे coefficient 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे power 2 and 0 है, तो which may and which may not be, which may or which may or may not be same, as plus क्या बोलते हम लोग इसको, अपने बहुत डिटेल में सीखा लास्ट ईयर, इसको बोलते हम लोग as, मैं ऊपर लिखता हूँ, may or may not be same as stochiometric stoichiometric coefficients, which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reactants, or stoichiometric coefficient s मत लिखाना, stoichiometric coefficient of may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactant, stoichiometric coefficient of that reactant in balanced equation. Plus, एक बार वापस, rate law may be defined as the mathematical expression which denotes the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants, in terms of molar concentration of reactants, with each concentration term, with each concentration term raised to some power, with each concentration term raised to some power, which may or may not be equal to, which may or may not be equal to stoichiometric coefficients of that reactant in the balance equation. So this statement is called as what? Rate law. Plus मैं एक मिनट देता आपको, try करो, देखो समझो कि अपना ये lecture चालू, मतलब अब इसको online lecture मतलब समझो हम लोग class में बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अपने आपको बोल रहा हूँ सब लोगों को कि आपको ये statement अभी बाहर करना है 2 मिनट के अंदर, तो do like that, आप उसको बाहर करने की कोशिश करो, अब class को रट्टा मत मारो, आप समझ लो आप किसकी बात कर रहे हो, रेट लॉ की. रेट लॉ आपको किसके बारे में रिलेशन देता है, रेट और कॉन्सेंट और रिएक्शन के बीच में, ओके, रेट के बारे में और रेट, रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट और रिएक्शन के बीच में आपको रिलेशन देता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर हमने पावर लिखा है और वो पावर आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है, और ये पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू, तो एक्स एंड वाई समझो 1-1 है, तो ए एंड बी 1-1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दिस पावर्स मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक coefficients in the chemical reaction. Okay, take 2 minutes or 1 minute. ठीक है, 2 मिनट लो, ठीक से, और ये statement बाहर करने की कोशिश करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग. Rate law or rate equation may be defined as the mathematical expression which denotes the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of that reactant in the balanced chemical equation. So, अगर आपको ये statement बाहर करना है, तो चलो हम लोग simple उसको आगे बढ़ाते हैं. क्लास ये मेरे साथ आप लिख सकते हो, लिखना है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको, मैथमेटिकली
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका, रेट लॉ का। तो क्लास कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। कंसीडर जनरल रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ओके, बाय रेट लॉ हमने अभी देखा, रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विथ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू सम पावर। पर ये पावर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये पावर हमें एक्सपोनेंशियली फाइंड करना है। तो समझो वो पावर एक्सपोनेंशियली आया एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई आर द पावर्स। ओके, प्रोपोर्शन हम निकाल दोगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स। तो बस ये बहुत ईजी है आपको लिखने के लिए। प्लस आप ये मैथमेटिक्सल स्टेटमेंट देख के रेट लॉ को फिक्स करते हो। तो रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denotes the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants with each concentration term raised to some power which may or may not be stoichiometric coefficient in balanced chemical equation. Plus, okay, done. So this is rate law ka statement and this is mathematical expression for rate law. Now, yahan pe k kya hai? K is called as the, let me give you the equation as equation number 1. Hum k ko bolte hai रेट कॉन्स्टेंट या फिर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। मोस्टली रेट कॉन्स्टेंट बोलेंगे, बुक में वही थर्ड स्टेटमेंट है, रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट या फिर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। हाँ, प्लस क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क के लिए, डिफाइन रेट कॉन्स्टेंट, के को डिफाइन करो। इफ समबडी आस्क्ड डिफाइन के, अगर क्वेश्चन आया आपको एक मार्क के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए कंडीशन डालेंगे। तो जो इक्वेशन वन में हमारे पास रिएक्टेंट ए है, व्हाट इज ब्रैकेट मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम लेते हैं वन मोलर, समझो हमने रिएक्शन स्टार्ट किया बाय डिविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वन मोलर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ऑल्सो वन मोलर। प्लस ये कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, तो हमने रिएक्शन लिया जिसमें एक बीकर में रिएक्टेंट ए है और एक बीकर में रिएक्टेंट बी है। ए वन मोलर लिया हमने, बी वन मोलर लिया, दोनों को मिक्स किया और रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ए वन मोलर है, बी वन मोलर है। तो क्लास जिस, अब जब जिस मोमेंट पे ए एंड बी वन मोलर होगा, क्योंकि बाद में वो चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन, कीप ऑन चेंजिंग, बट जिस मोमेंट पे ए का कॉन्सेंट्रेशन ए होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर होगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर होगा, इफ आई पुट इन दिस इक्वेशन, तो रेट विल बी इक्वल टू के इनटू, क्लास क्या लिया था हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वन मोलर, तो वन रेस टू प्लस कैपिटल एम मींस मोलर, मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन मोलारिटी मोल्स पर लीटर। प्लस आप यूट्यूब पे देखते रहोगे, वहां पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके पहले लेक्चर में हमने मोलारिटी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो रेट इज इक्वल टू k into 1 raise to x और b भी 1 मोलर है, तो 1 raise to y प्लस 1 raise to, 1 raise to anything is 1, तो रेट इज इक्वल टू 1 raise to x is 1, 1 raise to y is also 1, the rate is equal to k, right? So class, hum bol sakte rate constant k is rate of reaction if concentration of all the reactants are taken equal to 1 molar, or you can say 1 molar, hum bol sakte unity. Class, what is unity matlab? Unity matlab 1. So class, kaise define karenge hum log x, kaise define karenge hum log rate constant ko? So rate constant is the rate constant is the rate of reaction if all the concentrations of, if all the reacting concentrations are set equal to unity. तो क्लास अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन आप वन सेट करोगे और बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर वन सेट करोगे, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर वन लिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर वन लिया, तो ए वन और बी वन लेके आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट इज हेंस रेट कॉन्स्टेंट इज rate of reaction
रेट कांस्टेंट मतलब के के रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इफ ऑल द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन reactant concentration are set equal to नहीं बेटा इनके मतलब क्या one molar तो rate constant is the rate of reaction if all the reactant concentrations are set equal to unity अपन बोलता ये आपका rate law है अगर आपको k का कि क्या होता है वो समझना है तो क्या करोगे ए का कॉन्सेंट्रेशन वन लोगे बी का कॉन्सेंट्रेशन वन लोगे तो वन रेस टू एक्स इज वन बी रेस टू वन रेस टू वाई इज वन तो वन इंटू वन इज वन तो वन इंटू के इज इक्वल टू के तो रेट इज इक्वल टू के तो रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन का रेट होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर सेट इक्वल टू वन मोलर आर सेट इक्वल टू यूनिटी दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ प्लस के के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज क्लास एक चीज याद रखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर तो क्लास दिस इज वेरी बिग टॉपिक द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नो अदर थिंग कैन चेंज द वैल्यू ऑफ के अब के का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके प्रेशर चेंज करके वॉल्यूम चेंज करके कैटलिस्ट ऐड करके आप कुछ भी करो के चेंज नहीं होगा रिएक्शन का The K changes only with change in temperature. And how K related to temperature? We think that the last part of the chapter under Arrhenius equation for time being remember value of K depends. A very important MCQ is clear. Value of K depends only on temperature. The value of K depends only on temperature. So if temperature change होता है, तो ही K का value change होता है. अगर temperature change नहीं होता के का चेंज होता बाकी सब चेंज करो आप कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम कैटलिस्ट आप बाकी कोई भी फैक्टर चेंज करो के का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर याद रखो ये ओके और भी चीजें के बारे में पर अभी हम लोग नहीं हम लोग बाद में जब एमसीक्यूज के बारे में बात चैप्टर का जब हम लोग एमसीटी एमसीक्यूज शुरू करेंगे तब के बारे में और भी डिटेल डिस्कस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज द रेट कॉन्स्टेंट ओके तो क्लास हमने जो अभी देखा सब चीजें केयरफुल देखो अभी इसी टॉपिक में आपको एक नया टॉपिक में कवर करता हूँ द वेस्टिंग टाइम बहुत इजी नहीं होगा एक मिनट तो क्लास हमें इस चैप्टर में है व्हाट इज मीनिंग ऑफ आप आज टेक्स्ट बुक पढ़ लो बेटर होगा हेलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग बात करेंगे अभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लास ये रेट लॉ के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ध्यान दो तो क्लास ये जो पहला रिएक्शन है तो ये इक्वेशन है इस रिएक्शन के इस इक्वेशन बोलते हैं रेट लॉ है ना तो ये रेट लॉ है इस रिएक्शन के लिए तो क्लास इस रेट लॉ में H2O2 का पावर क्या है तो यहाँ पे H2O2 का पावर 1 है तो इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2 कितना है 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2 कितना है 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 के रेट लॉ में H2O2 के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर 1 है इसलिए मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू H2O2 इफ आई टेक द फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूँ तो सेकेंड रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट लॉ में यह रेट लॉ है रेट इक्वेशन तो सेकेंड केमिकल रिएक्शन में H2 के ऊपर पावर 1 है तो ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड I2 के ऊपर पावर 1 है इसलिए ऑर्डर इज अगेन 1 विद रिस्पेक्ट टू I2 एंड प्लस टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स तो ये पावर 1 है ये पावर 1 है तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज 2 इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओके तो ओके लेट मी टेक लेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इक्वेशन नंबर 3 के लिए H2 का पावर 0 है तो ऑर्डर इज 0 विद रिस्पेक्ट टू H2 Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन का पावर भी 0 है तो ऑर्डर इज 0 विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड प्लस सम ऑफ द पावर इज ऑल्सो 0 तो दिस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर भी 0 है ओके अभी रिएक्शन नंबर 4 में हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और जिसका पावर है 3/2
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी एच थ्री सी एच इज 3/2. एक क्लास एंड फिफ्थ एग्जाम्पल में रेट लॉ में एनओ टू का पावर 2 है तो ऑर्डर इज 2 विद रिस्पेक्ट टू एनओ टू. सीओ का पावर 0 है तो ऑर्डर इज 0 विद रिस्पेक्ट टू सीओ सीओ. ओके एंड क्लास तो इफ आई एड दिस टू पावर्स 2+0 द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. तो क्लास ऑर्डर क्या होता है? क्लास बहुत सिंपल चीज है ऑर्डर. रेट लॉ में, व्हाट इज रेट लॉ? हमने अभी सीखा रेट लॉ, द इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रेट लॉ में जो हमारे पास रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन लिखा होता है उसके ऊपर जो पावर होता है वो होता है इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू के ऊपर पावर 1 है तो ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एच टू. आई टू के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर 1 है तो ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू आई टू. ओके एंड दोनों पावर का सम 2 है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. प्लस यहाँ पे देखते हैं जनरल रिएक्शन. यहाँ पे इस रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर पावर है एक्स, इसलिए एक्स इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए. बराबर है. कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट बी के ऊपर पावर वाई है तो ऑर्डर इज वाई विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी. एंड क्लास अगर ये दोनों पावर हम ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एंड क्लास ओवरऑल ऑर्डर हैज जनरल सिंबल स्मॉल एन, तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी रिप्रेजेंट बाय सिंबल स्मॉल एन. द स्मॉल एन इज अ सिंबल फॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो क्लास हाउ यू डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? यस, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर्स टू विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेस्ड इन रेट लॉ. हिंदी में बोलूंगा तो रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर लिखा है उनके सम को, उनके एडिशन को हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मतलब बहुत सिंपल चीज है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है आपको उसका रेट लॉ लिखना है. क्लास रेट लॉ लिखने के लिए आपको कंपलसरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज पावर जादू से नहीं आता. पावर फाइंड करने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो यहाँ पे H2 का पावर जो 1 आया मुझे एक्सपेरिमेंटली फाइंड पता चला है, मुझे वो थियोरेटिकली मालूम नहीं था. तो जो मैंने रेट लॉ लिखा है इस रिएक्शन के लिए, तो इस रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O के जो ऊपर जो पावर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O के ऊपर जो पावर है दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2. क्लास ये सेकेंड रिएक्शन जब मैंने स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली तो मुझे ये रेट लॉ मिला. तो मुझे रेट लॉ ने डेटा, रेट लॉ के डेटा ने मुझे बताया कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेस्ट टू पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अगेन रेस्ट टू पावर 1. तो ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट H2 एंड ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट I2. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड क्लास सम ऑफ द पावर्स इज 1+1 तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. उसका ओवरऑल ऑर्डर का सिंबल है स्मॉल n. तो स्मॉल n फॉर दिस रिएक्शन इज 2. हां प्लस जब एक रिएक्शन मैंने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो रेट लॉ ने मुझे रेट लॉ के डेटा ने मुझे बताया. प्लस ये कैसे करते हैं आई एम टेलिंग यू कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो बताएंगे पावर आता कहाँ से, कैसे आता है, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है ये पावर फाइंड करने के लिए. फॉर टाइम बिंग ये पावर फाइंड करने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, इतना याद रखो काफी है. तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2. तो मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा बताया तो यहाँ पे 0 पावर आना चाहिए और यहाँ पे पावर 0 आना चाहिए. तो ऑर्डर इज 0 विद रिस्पेक्ट टू H2, ऑर्डर 0 विद रिस्पेक्ट टू Cl2. तो सम ऑफ द पावर इज 0+0=0. तो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन इज 0. तो कल मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था. तो क्वेश्चन था द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव HCl. व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? चार ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था 0. तो क्लास अब दुनिया के सब रिएक्शन का आप ऑर्डर बाहर नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना है, आपके टेक्सटबुक में जो 4-5 रिएक्शन है, 4-5 या 6 रिएक्शन है, वो रिएक्शन का आपको ये बाहर करना पड़ेगा ऑर्डर. ज्यादा नहीं है, 5-6 रिएक्शन. और ये सब रिएक्शन मैंने जो लिखा है यहाँ पे वो टेक्सटबुक का रिएक्शन है. अब इतने भी एग्जाम्पल याद रखोगे काफी है, ठीक है, एंड सो ऑन. तो क्लास आपको समझा ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर इज द ओवरऑल ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर एंड इंडिविजुअल ऑर्डर इज द, अगर मुझे H2 का ऑर्डर फाइंड करना है तो रेट लॉ में H2 के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखा है वो H2 का ऑर्डर होगा. इस रेट लॉ में I2 के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखा है वो I2 का ऑर्डर होगा. और H2 का ऑर्डर एंड I2 का ऑर्डर हम लोग ऐड करेंगे तो दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो क्लास मैं जो 2-3 स्टेटमेंट भी पास कर रहा हूँ उसको बहुत केयरफुली सुनो. ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में था. ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. तो मॉलिक्युलरिटी हम लोग कल बात करेंगे, पर फिलहाल ऑर्डर
क्लास पहला क्वेश्चन, अब सोचो आंसर अपने मन में रखो, क्या ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अगर आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर रहे हो तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कि आपको रिएक्शन देखकर उसका ऑर्डर पता चलेगा? तो आंसर है नहीं, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज़ रेट लॉ में जो भी पावर लिख रहे हैं यहाँ पे, वो पावर हमें एक्सप्लेन करके मिलता है, और ये पावर ही ऑर्डर होता है। तो अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्लास फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हम लोग थियोरिकली ऑर्डर किसी रिएक्शन का फाइंड नहीं कर सकते। प्लस नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? तो क्लास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, इवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन। क्लास लिख सकते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में ऑर्डर होल नंबर है, इस एग्जाम्पल में ऑर्डर जीरो है, इस एग्जाम्पल में ऑर्डर फ्रैक्शन है। ऑर्डर कैन बी होल नंबर, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, और ऑर्डर कैन बी जीरो। तो प्लस ये दो चीजें आप ऑर्डर के लिए बहुत अच्छे से याद रखो, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर कैन बी होल नंबर, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ऑर्डर कैन बी जीरो। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्लास हमने आज बात किया दो चीजों के बारे में, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये टॉपिक हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सर एक घंटे का लेक्चर ना एमबीए से? सर हेलो, हाँ सर जी, एक घंटे का ही है। अब पांच मिनट टाइम लेते हैं किसी को, अगर कुछ पूछना है तो, अगर स्टूडेंट्स किसी को पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ मैं हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। बालाजी पूछ, क्या पूछने? बालाजी बोलो। हाँ सर, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब क्या करता है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब करता है कि अगर आप रिएक्शन का रेट फाइंड करते हो, राइट, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू सम रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ये वाला देखो, CH3CHO gives CH4+CO। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं रिएक्शन का रेट इस कॉन्स्टेंट के साथ कैसे चेंज हो रहा है। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये वाला ऑर्डर, ये पहला एग्जांपल सबसे सिंपल है। तो इस रिएक्शन का रेट इज डायरेक्ट